दतिया के भांडेड़ से सीएम मोहन यादव की सभा में ड्यूटी पर लौट रहे बीएसएफ जवानों की बस भांडेड़ रोड पर पलटने से 31 जवान घायल हो गए थे। दो जवानों की हालत गंभीर होने पर उन्हें ग्वालियर रेफर किया गया। सूचना मिलने पर सीएम ने ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती दोनों जवानों से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ग्वालियर में चुनावी रोड शो में शामिल हुए थे। यहाँ का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह सीधा जयारोग्य अस्पताल पहुंचे और आईसीयू में जाकर दोनों घायल जवानों से उनका हालचाल जाना, साथ ही अस्पताल प्रबंधन को उचित इलाज का दिशा निर्देश भी दिया। मेरी जानकारी में आया कि सरकारी ड्यूटी करके बीएसएफ के हमारे जवानों की बस पलटी और बस पलटने से कुछ घायल हुए, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद कुछ लोगों को तो वहीं स्थानीय भांडेर दतिया की ड्यूटी में रखा था। दो पेशेंट गंभीर थे, उनको यहाँ लेके आए। मैंने अभी मिल करके मुलाकात की है, उनके कुशल क्षेम पूछा। इस अवसर पर सरकार गंभीर भी है, हर किसी व्यक्ति की तरह संवेदनशीलता के साथ हमने डॉक्टरों को भी हिदायत दी, प्रशासन को हिदायत दी कि जो योग्य इलाज हो सकता वो सब इलाज करें। और मेरी जो जानकारी दी गई है कि वो अंडर कंट्रोल है, भगवान।